इस पूरे भलोड़ पंचायत में सिर्फ एकमात्र एक हाई स्कूल है जो को एजुकेशन है, लड़कियां भी हैं और लड़के भी स्टूडेंट्स भी हैं, लड़के भी हैं, और ये पूरे इस करीब स्कूल में 700 स्टूडेंट्स हैं बताया जा रहा है। और करीब जिस गांव में कि आपकी बात बता रहे हैं जहां से ये लोग आते थे, ये सामने बागमती नदी है और जिसको पार करके ये यहां पे स्टूडेंट्स यहां पे पढ़ने के लिए आते हैं। ये रोज़ का सिलसिला था। और करीब बगल का जो गांव है, जो जिस गांव के लोग पंचायत के जो उस वार्ड है, एक वार्ड वहाँ है जबकि तीन वार्ड इस तरफ है, बागमती के इस तरफ है और एक वार्ड उस तरफ है। वहाँ से प्रतिदिन जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो छात्र हों छात्राएं हैं, वो वहाँ पे नाव से इस तरफ आते थे और उसके बाद यहाँ पर स्कूल करते हैं। अभी स्कूलों में 75% अटेंडेंस कंपलसरी किया गया, जिसके बाद डेली का यह स्थिति बनी। और डेली ही चूँकि यहाँ पे धार काफ़ी तेज़ होती है, इसलिए घूम कर वो वहाँ से नाव पार करते हैं और नाव पार करने के बाद यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग जिनसे हम बताते हैं कि बताए कि पूरे पंचायत में तो एकमात्र यही स्कूल होगा। जी सर, इस बलौर पंचायत में मात्र एक हाई स्कूल है। और इसी आज की जो घटना है सर, ये आज की घटना स्कूल आने के क्रम में और वहाँ के जो लोग मधुरपट्टी गांव के अधिकतर लोग पानी में डूबे हैं, ये राशन लेने के लिए सियाने लोग थे और जो बच्चे थे यहाँ हाई स्कूल में एडमिशन मैंने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए आए थे और इसी क्रम में ये लोग नाव से चढ़कर इस पार उतरना चाह रहे थे। नाव इस पार लगी है और ठोकर लगने के क्रम में जो नाव का बंधन था, संपर्क था उस तार से, वो तार टूटने के कारण नाव पलट गई और उसी पलटने के कारण बच्चा उस नदी में नाव पलटने के कारण डूब गया है। और डूबने के क्रम में सभी लोग अभी तक लापता है, जिनका अता पता नहीं है। सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि लाश जो है वो निकला जाए और निकलने के क्रम तक अभी तक सभी लोग इस प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। शासन प्रशासन और गाँव ग्राम के लोग इस आशा में देख रहे हैं कि भाई कब लाश का रिकवरी हो और दाह संस्कार किया जाए। और इसी पढ़ने के कारण अधिकतर यहाँ इस गांव की परेशानी इस कारण से ये एक दुर्घटना घटी है कि इस गांव में पुल पुलिया की आवश्यकता थी, पुल न होने के कारण नाव की सवारी हुई है और नाव की सवारी पर चढ़ने के कारण यह घटना घटी है, आज की घटना। बिल्कुल, कोई आवागमन का साधन है जिस वजह से यह घटना घटी। और उसके बाद देखिए लगातार अब तलाश हो रही है और करीब 15 बताया जा रहा है 15 से 16 वैसे अभी स्टूडेंट जो लोग नाव पे सवार थे, जो इनका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है, जिनकी तलाश में NDRF और SDRF की टीम इस इलाके में लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो जाल फेंका जा रहा है, जो यहाँ पे गोताखोर हैं वो लगे हुए, लेकिन पानी का बहाव यहाँ पर इतना तेज़ है कि यहाँ अभी तक कुछ अता पता उनका नहीं चल पा रहा है। कैमरामैन सनी और मुकुल के साथ अमिताभ ओझा, News24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।